खबर देवरिया से है, जहां पर 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश व प्रदेश लोग पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर देवरिया जनपद में 1000 वाहनों का काफिला निकल जाएगा। बताया जा रहा है श्री राम मंदिर के नाम पर दीप जलाने का आह्वान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि सनातन संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और श्री राम मंदिर का भाव निर्माण कराया गया है, बताया जा रहा है कि सदियों तक इसका गुणगान और 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी के निमित्त जो पिछले महीनों से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें 20 दिसंबर को नगर की शोभा यात्रा निकली और भी भिन्न भिन्न खंडों में जो है भिन्न भिन्न तिथियों पे जो शोभा यात्राएं निकली, उसी के अंतर्गत जो है 12 जनवरी को 1000 चार पहिया वाहनों की शोभा यात्रा जो है लगभग 35 किलोमीटर के दूरी को कवर करती हुई महाराजा अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण से निकलेगी। कहाँ तक जाएगी यह यात्रा? बैतालपुर, पांडेचक, डुमरी, महुआनी चौराहा, सोनू घाट होते हुए पुनः जो है ये महाराजा अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज पे आ जाएगी। अयोध्या जाने का भी कोई प्रोग्राम है आप लोगों का 22 जनवरी को या फिर कोई यात्रा? 22 जनवरी को अयोध्या जाने से सबको मना किया जा रहा है। वहाँ से चंपत राय जी का और जो इस कार्यक्रम के आयोजक समिति के लोग हैं, उनका ये कहना है कि 22 जनवरी के दिन हम अपने आसपास के स्थित मंदिरों पे ही हनुमान चालीसा, विजय महामंत्र, सुंदरकांड, भजन कीर्तन इत्यादि मंदिरों पे ही हम करें, मंदिरों की साफ सफाई करें और पूरे हिंदू जनमानस को 22 जनवरी के दिन अपने आसपास स्थित मंदिरों पे ही हम शामिल करें। देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट।